नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार रा और सबसे पहले बिहार जुडिशियल सर्विस परीक्षा में शामिल होने वाले सारे एस्पिरेंट जो भी इस परीक्षा के लिए सीरियस हैं, जिन्होंने इसकी प्रिपरेशन की है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी इस परीक्षा में पेपर आपकी तैयारी और आपकी आशा के अनुरूप हो, और होगा भी। इतना विश्वास है कि आप जो तैयारी करके आए हैं उसमें कोई चूक नहीं करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ मेरा ये नहीं था कि मैं आपको शुभकामना दे दूं, क्योंकि आपने जो मेहनत की है उसके अनुसार आपका रिजल्ट रहेगा, मेरी शुभकामना से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ सावधानियां हैं जिनको यदि आप बरतेंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रकार की गलती करते हैं, या यूँ कहें कि बहुत सारे स्टूडेंट से इस प्रकार की गलती हो जाती है। वो ये है कि जब भी कोई परीक्षा को आप बहुत सीरियसली लेते हैं, आपने बहुत मन लगा के उसकी तैयारी की है, बहुत सीरियस हैं आप उस तैयारी को, उस परीक्षा के लिए, तो आप जब परीक्षा नज़दीक आती है तो आप उस परीक्षा को लेके थोड़ा दबाव महसूस करने लगते हैं, थोड़े प्रेशर में आ जाते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप पेपर को लेते हैं तो पेपर में आप जान यहाँ जो आप परीक्षा देंगे, जीएस के पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे और लॉ के पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे। तो जब आपको पेपर मिलता है ना, और शुरू के मान लीजिए 8-10 प्रश्न इतने कठिन आ जाते हैं या ऐसे आ जाते हैं जो आपको ध्यान नहीं है, आपकी जानकारी में नहीं, तो जब 2-4-5-6-7-8 लगातार आपको प्रश्न नहीं आते हैं तो आपका पेशेंस जवाब देने लगता है, क्योंकि आपने तैयारी बहुत सीरियसली की हुई है। तो जवाब देने लगता है और आपका दिमाग उतनी देर में ही इतना घूम जाता है कि जैसे आपको लगता है कि अब मैं इस परीक्षा से बाहर हो गया और पता नहीं कब फिर से वैकेंसी आएगी, इसमें तो मैं गया काम से, क्योंकि पेपर ऐसा आ गया जो मुझे आ नहीं रहा। देखिए, कोई भी ऐसी परीक्षा है, जैसे मान लीजिए 150 प्रश्न हैं आपके, तो 150 प्रश्न कठिन नहीं होते। कभी कभी किसी परीक्षा में शुरुआत के प्रश्न कठिन होते हैं तो बाद के आसान हो जाते हैं, या कभी कभी शुरुआत में भी कठिन है, लास्ट में भी कठिन है, लेकिन बीच के सारे क्वेश्चन आसान है। तो ये नहीं है कि आपका पहले प्रश्न से ही आपका आंसर अच्छा होने लगे और आपको सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर शुरू के 8-10 प्रश्न अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं, तब भी आपको पेशेंस खो के बाकी के आसान प्रश्नों को भी गलत करने की जरूरत नहीं है। जहाँ 3-4 क्वेश्चन नहीं आए शुरू के, तुरंत क्वेश्चन वहीं छोड़ दीजिए और शुरुआत के प्रश्न करिए ही मत। 25-30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन के बाद जाइए और फिर वहां से क्वेश्चन करना शुरू करिए। हो सकता है कि वहां ठीक ठाक मिल जाए आपको और आपकी रेंज में हो, तो वहां से शुरू करिए आप। अगर मान लीजिए 50 वाला भी आपने उठाया, दुर्भाग्य से वो भी नहीं आया, तो ठीक है, आप 101वां क्वेश्चन शुरू कर दीजिए। तो आप वहां से शुरू करिए, कहीं से ऐसे अगर शुरू करिए और ठीक ठाक आ रहा है तो उसको कर जाइए, बाद में इन सब प्रश्नों को करिए। क्योंकि होता यह है कि जब हम प्रेशर ले लेते हैं और शुरू के 8-10 क्वेश्चन हमको नहीं आ रहे और गलत हो गए, तो हम बाद के आसान प्रश्नों को भी गलत कर जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि अब हम बाहर हो गए इस परीक्षा से, तो जिसकी वजह से हमको बड़ा नुकसान हो जाता है। ये आप जो परीक्षा देने वाले स्टूडेंट हैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस किए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो इस बात को जानिए कि आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए, और जो पहली बार दे रहे हैं उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो ये बताना था हमको कि इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर 2-4 क्वेश्चन ना भी आए, पेशेंस मत खोइएगा, आराम से कुछ क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा ताकि आप अच्छे से कर सकें, और जो कठिन वाला पार्ट है उसको बाद में कर लीजिए। अगली बात, एक बात और है, ये है कि हम लोग पटना में, मैं भी पटना आ चुका हूँ और आप भी पटना आ चुके हैं, तो पटना में शाम को सैलजा टावर में, कंकड़ बाग में अनअकैडमी की ऑफिस है और वहाँ पर हम लोगों की मुलाकात। जब भी आपकी परीक्षा छूटेगी तो आप कंकड़बाग के अनअकैडमी के ऑफिस पर आ जाइएगा। अगर जो लोग मेरे संपर्क में हैं, मैं उसका जो लोकेशन है, जिनको क्लियर नहीं होगा वो लोकेशन मैं वहाँ पहुँचने के बाद अपने स्टेटस में लगा लूँगा, कुछ ग्रुप्स हैं उसमें मैं भेज दूँगा, तो आप लोग उसके माध्यम से भी वहाँ आ सकते हैं। वैसे कंकड़बाग और सैलजा टावर आपको याद होना चाहिए, और वहीं पे अनअकैडमी की ऑफिस है, वहाँ पे आप आके मिल सकते हैं। मैं इंतजार करूँगा आप लोगों का, बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, उम्मीद है कि आप भी चाहते ही होंगे मिलना। ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय।